मुरादाबाद में एक निजी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को संभल में आलू कोल्ड स्टोरेज हादसे में घायल हुए लोगों से TMU अस्पताल में मुलाकात की। CM ने घायलों से बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। CM ने कहा, कल से ही हमारा रेस्क्यू कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन, NDRF और SDRF के साथ ही मंडलायोग और पुलिस महानिरीक्षक की पूरी टीम वहां पर रेस्क्यू के कार्य के साथ जुड़ी हुई है। निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ है। इस पूरे हादसे के दौरान 22 लोगों को वहां से निकाला गया है, जहां पर 6 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। 4 कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले ऐसे जो मुरादाबाद TMU हॉस्पिटल में एडमिट, उनका उपचार चल रहा है। 1 घायल को मेरठ रेफर किया गया है। 11 लोगों की मौत हो गई। अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। आयोजन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आप लोग खुशनसीब हैं कि राम नगरी में जन्म लिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन सेमिनार में दिए गए बयान को लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश का अपमान बताया है। उन्होंने कहा, देशवासियों के 90 वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई और राहुल गांधी ऐसे गुलाम बनाने वाले तत्वों को भारत आमंत्रित कर रहे हैं, इसकी जितनी भी भत्सरना की जाए कम है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के लिए कोलकाता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ नेता एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे कि BJP को कैसे हराया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने भी ED और CBI का इस्तेमाल किया था, अब BJP कर रही है। जो भी BJP में शामिल होता है उनके खिलाफ CBI और ED की कोई रेड नहीं होती। हम चाहते हैं कि BJP यूपी और दक्षिण भारत दोनों जगह हारनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। वहीं निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के राहुल गांधी देश की बदनामी विदेश में करते हैं और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की बदनामी देश भर में कर रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने लिखा, दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि दोनों को सद्बुद्धि दे। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण करने शुक्रवार को बाराबंकी पहुंचे। ब्रजेश पाठक ने विकास खंड देवा के पवैयाबाद गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इसके अलावा डिप्टी CM ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवा, प्राइमरी स्कूल पवैयाबाद के साथ ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय और निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री सतीश शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी बेमतलब की पार्टी है, इसलिए अखिलेश यादव अलग अलग राज्य में घूमकर अपना पर्यटन कर रहे हैं। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी पेशी से वापस ले जाते समय कानपुर पुलिस पर जमकर भड़के। सपा विधायक ने कानपुर पुलिस की धक्का मुक्की से परेशान होकर आपा खोते हुए कहा कि ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे मैं जानवर हूँ, गधा हूँ, बंदर हूँ। इसके साथ ही सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि मेरा इस्तीफा ले ले, अगर इस्तीफा लेना चाहते हैं तो अभी ले लीजिए। वहीं उनकी पत्नी भी रोती नजर आई और पुलिस प्रशासन पर अपने पति से ना मिलने देने का आरोप लगाया। ये हमेशा देखो धक्का मारते थे, वो देखो गला पकड़ लेंगे। ये यार तुम लोग कभी इनके खिलाफ नहीं चलाते हो, ये पुलिस वाले बदतमीजी करते, ये क्यों नहीं चलाते तुम लोग? विधायक है हम, क्या है धक्का मारा करते हमें? चल रहे भाई बात ना करे। यार तुम लोग क्यों आते हो जब बात नहीं करने देते? क्यों बुलाते हो तुम लोग को? ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हमें। हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए हम, गधे हो गए भैया। इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है, इस्तीफा ले ले हमसे। क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? प्रयागराज उमेश पाल शूट आउट का एक और CCTV वीडियो सामने आया है। फुटेज शूट आउट की घटना के फौरन बाद का बताया जा रहा है। वीडियो में उमेश पाल पर हमले के बाद शूटर भागते नजर आ रहे हैं। CCTV में शूटर अरमा और गुड्डू मुस्लिम भागते नजर आ रहे हैं। दोनों शूटर बाइक पर बैठकर सड़क पर बम फोड़ते हुए भाग रहे हैं और इनके ठीक पीछे कार पर दूसरे हमलावर सवार होकर जा रहे हैं।
या सीसीटीवी फुटेज 44 सेकंड के वीडियो के आगे का है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई। ये ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल और उस पर बन रहे गर्भगृह की पहली बार इनमें दिख रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में सभी स्तंभ खड़े किए जा चुके हैं। रामलला के दर्शन यानी गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां बननी, इनमें से 24 बन चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर अब आकार लेने लगा है। भूतल का 70% काम पूरा हो चुका है। इन तस्वीरों को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी किया है। शुभारती का एमटीबीटी ट्रस्ट एक बार फिर सुर्खियों में। एमटीबीटी ट्रस्ट के कारनामे को लेकर सरकार भी सख्त हुई। इस कड़ी में मंत्री धन सिंह रावत ने FIR दर्ज करने और संपत्ति को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया है। दरअसल एमटीबीटी ट्रस्ट पर 300 MBBS छात्रों के साथ धोखाधड़ी और फर्जी डिग्री बनाने का आरोप है। फर्जीवाड़े के इस खुलासे के बाद सरकार ने छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया है। इसके अधिभार के रूप में 97 करोड़ की पेनाल्टी लगाई थी। इस पर शासनादेश के विरोध मेडिकल कॉलेज खोलने और सरकारी जमीन कब्जाने का भी आरोप है। इसी सब को लेकर मंत्री धन सिंह रावत ने आदेश दिए।